नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक एक्सटर्नल मॉनिटर को एक ऐसे लैपटॉप से कैसे अटैच करें जिसकी की स्क्रीन है वो डैमेज हो या ब्रोकन हो या दिखाई नहीं पड़ रहा हो स्क्रीन पे। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है वो टोटली वाइट कलर की नज़र आ रही होगी। मैंने फंक्शन और F4 की को कई बार दबाया, अभी भी डिस्प्ले है वो एक्सटर्नल मॉनिटर पे नहीं आ रहा है, जबकि फंक्शन और F4 की दबाने से डिस्प्ले है वो टॉगल होकर के एक्सटर्नल मॉनिटर पे आना चाहिए था। एक्सटर्नल मॉनिटर अटैच है फिर भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे लैपटॉप को फोर्स शट डाउन कर देता हूँ। पावर की को कुछ सेकंड दबा के रखूँगा, लैपटॉप फोर्स शट डाउन हो जाएगा और इसे मैं पुनः स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इसे पुनः स्टार्ट कर दिया है, मेरा लैपटॉप है वो ऑन है और अभी आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले है वो एक्सटर्नल मॉनिटर पे जा चुका है। लैपटॉप की स्क्रीन है उस पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, एक्सटर्नल मॉनिटर पर नज़र आ रहा है मेरा डिस्प्ले। लेकिन ये कैसे हुआ चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार पुनः लैपटॉप को पावर ऑफ करता हूँ। जो एक्सटर्नल मॉनिटर पे डिस्प्ले आ रहा है उसकी हेल्प से मैं पावर ऑफ कर सकता हूँ इजीली। और आप देख सकते हैं ये जो लाइट है इंडिकेटर जो दिख रहा है एक्सटर्नल मॉनिटर पे वो ब्लू से ऑरेंज कलर हो गया, मतलब लैपटॉप अब स्विच ऑफ कंडीशन में है। अब हम क्या करेंगे, जो मेल टू मेल VGA केबल होती है उसका एक एंड तो लैपटॉप के साथ और दूसरा एंड है एक्सटर्नल मॉनिटर के साथ अटैच कर देते हैं, मॉनिटर को पावर सप्लाई दे देते हैं। अब जो ही आप लैपटॉप को पावर ऑन करते हैं बिल्कुल उसी समय आपको क्या करना है, फंक्शन और F4 की को दबा देना है। देखिए मैंने इसे दबाया और अब आप देख रहे हैं जो डिस्प्ले है वो लैपटॉप पे नहीं बल्कि एक्सटर्नल मॉनिटर पे जा चुका है। तो ये कार्य आपको क्या करना है, तुरंत ही करना है जो ही लैपटॉप को पावर ऑन करते हो और एक्सटर्नल मॉनिटर पे डिस्प्ले शो हो जाएगा। अब एक्सटर्नल मॉनिटर पे डिस्प्ले शो हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें फंक्शन और F4 की को तुरंत ही दबाना है जो ही आप लैपटॉप स्टार्ट करते हैं। अगर ये फंक्शन काम नहीं करें तो आप एक अल्टरनेटिव मेथड है कि जो ही आप लैपटॉप को स्टार्ट करें उसी समय लैपटॉप के टॉप राइट कॉर्नर में एक स्मॉल मैग्नेट को लेकर के स्वाइप करना है, हल्का सा स्वाइप करना है। और इससे क्या होगा कि जो डिस्प्ले है वो एक्सटर्नल मॉनिटर पे चला जाएगा। तो लैपटॉप अगर स्टार्ट कंडीशन में है उस समय अगर आप इस मैग्नेट को स्वाइप करेंगे तो ये लैपटॉप को स्विच ऑफ कर देगा, पावर ऑफ कर देगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।